असलम एवरीबडी आई एम बैक विद अनदर पॉडकास्ट और आज मैं बहुत मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मुझे बहुत अच्छे मूड में छोड़ के जाएँगे बिकॉज यार बहुत सीरियस बातें करते हैं तो सीरियस बातें भी करेंगे लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ ये मेरे दोस्त बन चुके हैं आई थिंक पिछले आठ साल हो गए हैं मे बी थोड़े से ज़्यादा लेकिन हम आ, एक मैंने एक प्ले पे उनको देखा था और उसके बाद मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी इनसे कि मैंने फिर उनको अप्रोच किया फ़ोन किया बातें की और उसके बाद एक हमारी दोस्ती बन गई और ही इज़ नन अदर देन एन एक्टर फ्रेंड एक्टिविस्ट

पेज nice. बॉय भी होता है बहुत सारे होते हैं <laughs> <laughs> हम फैशन के लोगों को पता होता है ना चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता नहीं आपको फैशन के बारे में काफ़ी कुछ पता है आप काफ़ी टिश टॉश लग रहे हैं टिश टॉश <laughs> है ना <laughs> तो या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं हम बातें करते हैं जैसे कि हम घर में बैठे हैं घर में मैं ऐसे अक्सर नहीं बैठती लेकिन ये है कि हम गप्पे लगाते हैं बिकॉज मुझे आपके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो पहले तो ये बताएं कि आपकी पैदाइश कराची की मेरी पैदाइश कराची की है तो आप उर्दू स्पीकिंग है नहीं मैं पंजाबी हूँ आप पंजाबी नो वे नहीं यार नहीं ये नहीं हो सकता बिकॉज कानू मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता फिर से बोले कुछ भी नहीं पता <laughs> आहो <laughs> <laughs> तो सीरियस आहो के साथ ये भी करना <laughs> अच्छा तो और मेरे अब्बा जो हैं वो कश्मीरी हैं तो बट अच्छा दोनों तरफ तकरीबन एक जैसी बोली जाती है exactly. और उर्दू बेहतर होने की वजह यह है कि हम चूंकि कराची में पैदा हुए थे और मुझे तो मुझे तो अपनी उर्दू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बेहतर लेकिन लोग कहते हैं बहुत बेहतर है अच्छा मेरे ख्याल में अब जिस तरह के एक्टर्स आ रहे हैं वो जहाँ से आ रहे हैं वो लगता है वहीं से आए तो मेरा ये नहीं पता चलता शायद इसलिए लोग कहते हैं उर्दू अच्छी है आपकी और बिकॉज जब मैं भी बात करती हूँ तो मेरे वो जो पंजाबी टच है ना वो आ जाता है कहीं ना कहीं और वो लहजे के अंदर आ जाता है ना क्योंकि हाँ। आपके घर के अंदर घर के अंदर तो मेरे ख्याल में पंजाबी मेरे माँ बाप बोलते थे बट जब से अबू की डेथ हुई है तो वो फिर उर्दू में आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वो लैंग्वेज ख़त्म होती जा रही हैं लेकिन उर्दू में लिखना जो आप करते हैं वो एक आर्ट है भाई वो सब नहीं कर सकते तो इसलिए आई थिंक उर्दू मैं भी कराची में पैदा हुई लेकिन मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है माशा थैंक यू थैंक यू तो फिर कराची में पैदा हुए स्कूल आ, पहले तो मैं कराची में जब आ, वो जब नर्सरी प्री नर्सरी कराची हाँ। में किसी स्कूल से हुई होगी मैं तो okay. याद नहीं है लेकिन उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे रावल पिंडी अच्छा तो मेरी स्कूलिंग सारी रावल पिंडी में हुई है अच्छा तो कई लोग मुझे कहते हैं पिंडी बॉय तो मैं उसको भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लेता हूँ नो, नो 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 पिंडी बॉय एक इसलिए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मैंने जितने होशियार लोग पिंडी में देखे हैं मैंने कहीं और नहीं देखे अच्छा। हाँ वो वाकई बड़े होशियार लोग हैं और पिंडी से मैंने बहुत कुछ सीखा है अच्छा। फिर मेरा कॉलेज तक मैं पिंडी में रहा असगर अच्छा। माल कॉलेज से अच्छा। मैंने अपना एफ किया और उसके बाद फिर प्राइवेटली बीए की कोशिश की बट वो नाकाम रही और उसके बाद फिर मैं दोबारा कराची आ गया काम के लिए अच्छा तो आपके पेरेंट्स वहीं रहते हैं आ, अब तो दोनों की डेथ हो गई है हाँ बट वो वहीं पे डेथ भी वहीं हुई थी अच्छा तो मुझे बताएं कितने बहन भाई हैं हम बारह बहन भाई हैं माशाल्लाह माशा अच्छा इसके बाद अक्सर लोग पूछते हैं अम्मिया, एक ही अम्मिया से, एक ही से दो हाँ मेरी दादी क्या ग्यारह थे वो उस अच्छा। जमाने में थे यहाँ बिकॉज पार्टीशन से पहले इतने लोग हो जाते थे नहीं उसके बाद भी इतने लोग हो जाते really? थे आप भी ट्राई करें हो जाएंगे <laughs> नहीं नहीं थैंक यू अब तो खैर उम्र ही नहीं रही है लेकिन आप ट्राई जरूर कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा पूरी <laughs> <laughs> आपकी एक क्रिकेट टीम हो सकती है बट वाओ और आपका नंबर आखिरी यू किडिंग सबसे बेबी थे हाँ जी तो आपको तो बहुत स्पॉइल किया हो नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको पता ही नहीं होता था कि नाम क्या है आपका भूल जाते थे माँ बाप नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता ये हमें जैसे हमें अपने कज़न्स के नाम याद रहते हैं हाँ। कितने सारे हाँ, कज़न्स होते हैं। तो इसी तरह माँ बाप को बच्चों के नाम कैसे भूल सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता बट ये इस तरह की फैमिलीज में ना आपको जरा ज्यादा पैम्पर uh, चाहे उतना ज्यादा ना किया जाए मगर आपकी uh, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है मजा बहुत आता है बहुत मजा आता I mean, है आपको yeah. बहुत सारी तरह की चीजें सीखने को मिल रही होती हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप कर रहे होते हैं या yeah. सही बात है आई थिंक यू नो कि मैंने भी ये फील किया था ग्रोइंग अप mm. मैं जब लोगों के ना मेरे इतने सारे कजिंस डॉक्टर्स ने सारे 150 डॉग्स कितने कैसे हो गए मैंने कहा 11 बच्चे थे भाई उनके सारे बच्चे जो हैं और उनके बच्चे सब डॉक्टर बन गए सब आए हमारी फैमिली के वाह सो आई आई अग्री विद यू ये बहुत मज़े की बात है आप पलते फूलते हो आप बहुत सिक्योर फील करते हो यू ऑलवेज हैव समवन टू गो टू यू नो वो वाली एक बड़ी मज़े की बात होती है अच्छा मुझे ये बताएं कि इन सब बहन भाइयों में अभी आपकी सिस्टर ने मुझे खाना भेजा मैंने आपके साथ बैठ के बड़ा मज़े का दाल चावल अम्मी ने भी खाए आपके और वो किस नंबर पे आती हो आर यू क्लोज टू हर वो बिल्कुल मेरी जो बहन है वो मेरे साथ ही रहती हैं अच्छा। अम्मा की डेथ से फिर वो मेरे साथ ही थी अच्छा। वो मेरी बड़ी बहन है अच्छा और बस वो तब से मेरे साथ हैं अम्मा की डेथ को हो गया 2013 में अच्छा तो अब काफी साल हो गए हैं तो वो तब से मेरे साथ जब मेरी शादी हुई तो फिर हम इकरा की मम्मी को भी साथ ले आए अरे वाह तो अब वो Used to big family ना तो हाँ, तो अच्छा तो अब, लगता है। तो अब जरा शुरू हो गया से वो साथ कबीर के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है हाँ। मतलब वैसे तो हमारे कबीर की जो नैनी है वो भी बहुत अच्छी है हाँ। मगर फिर भी जो सहारा आपको उसकी नानी Parent, और पप्पो के होने से होता है वो वैसे नहीं हो सकता वो कॉन्फिडेंटली जब हम निकलते हैं ना उस कॉन्फिडेंस की वजह वो लोग है क्योंकि बहन है और माँ है मदर इन लॉ है तो तो ये अच्छा, very nice, interesting. तो ये अच्छा जो आम, और आपके बहन भाई वही पिंडी में या मेरे, भी आ, मेरे कुछ, बहन भाई, आ, पिंडी में कुछ कराची में हैं कोई लंदन में है साउथ अफ्रीका में है कुछ सह रहे जब भी कहीं जाना हो घर है हाँ घर हर जगह है ना

वाकई पढ़ाई छोड़ के थिएटर करना चाहते हो तो मैंने कहा हाँ तो कहते कितना शौक है तो मैंने कहा कहा बहुत तो उन्होंने ठीक है छोड़ दो तो मेरी अम्मा ने कहा कि अबा ने कहा नहीं ये पढ़ेगा नहीं इसको यही काम करना है तो वो वाहिद थे जो कहते थे कि तुम थिएटर नहीं तुम फिल्म के एक्टर बनोगे तुम तो एक दिन फिल्म में काम करोगे तो जब मैंने पहली फिल्म की तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस आदमी को कैसे पता था कि मैं फिल्म में काम करूंगा हाँ वो उस एक मीटिंग में उन्होंने मुझे पूरा परख लिया था नजर आ गया था वेरी क्रेडिबल के जरूरी नहीं है कि आपने बीए किया किया खैर ये मैं नहीं मैसेज भेज रही लोगों ले को लेकिन हाँ, नहीं मैसेज ये है नहीं है कि हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है मगर आ, कहते हैं ना कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है हाँ। तो किसी ऐसे आदमी के साथ वक्त गुजार लें जिसने किताब पढ़ी है हाँ। ये बहुत जरूरी है लोगों से मिलना बड़ा जरूरी हाँ। है फिर एक्सपोजर जो है ना मुझे लगता है एजुकेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आप एग्री करेंगे आपके हाँ। पास एजुकेशन भी है बहुत ज्यादा एक्सपोजर है जहां मैं देखता हूँ ट्रेवल करते हैं तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ लोगों ने उनकी पचास पचास साल उम्र है और उनके पास पैसे भी हैं मगर वो ट्रैवल नहीं करते या आप भी ऐसे लोगों को जानती होगी तो वो उनके एक्सपोजर की कमी उनमें उन नज़र आती है तो ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कम्पनसेट कर देती हैं और एक और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आप नहीं भी जानते तो आप किसी को के साथ जैसे कि मैं जब वापस आई थी पाकिस्तान मुझे आई मुझे इंट्रोडक्शन जो की थी उर्दू पोइट्री की वो इमरान असलम साहब ने की जिनकी अभी यू नो हाल ही में डेथ हुई है और उन मैं मिर्ज़ा गालिब की सारी टेपें उठा के ले आई जो नसीिरुद्दीन शाह की थी और मैंने कहा मुझे समझाओ ये क्या कह रहे हैं और मुझे समझ आई फिर गालिब की और फिर मैंने फैस को समझा जो ज़्यादा मुश्किल है और फिर इकबाल को जो कि और भी मुश्किल था बिकॉज जब मैं उनके साथ बैठी तो वो मुझे इस तरह की सोबत में बैठना और सीखना बहुत ज़रूरी है यानी और ये इंसान इंटरनेट से भी अब सीख सकता है राइट बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की है अच्छा तो फिर इसके बाद ब्रेक जो मिली सबसे पहली जब आप कराची आ गए तो आप किसके पास रह रहे थे जब मैं कराची आया तो मेरी पहली मुलाकात इमरान असलम साहब से हुई ना करें हाँ। तो अच्छा। उन्होंने और मीर इब्राहिम जो है उन्होंने हाँ। मुझे बुलवाया था इस्लामाबाद से उन्होंने मेरा अच्छा। कोई एक रीजनल चैनल था के टू उसमें मेरा एक शो देखा हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार इस लड़के को बुलाते हैं तो आग टीवी होता था एक जियो उसके लिए चैनल था हाँ मीर इब्राहिम और इमरान असलम साहब इन दोनों ने मुझे बुलाया था और फिर असलम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी हाँ। और उसके बाद मैं वहाँ हायर हो गया था तो डेढ़ साल वहाँ काम किया अच्छा। फिर मैंने छोड़ के दोबारा थिएटर शुरू कर दिया अच्छा। परवजाहत हाँ। आग में होते थे थी तो उनसे मेरी मुलाकात फिर फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे हम साथ काम करते हैं तो मैंने उनके लिए कुछ कॉम्स लिखे उन्हें अच्छा लगा राइटिंग अच्छी लगी तो फिर हमने मिल के कराची से लाहौर लिखी दैट वाज वो बाद में फिर हुआ ना पर हाँ, उसके पहले तो आप बहुत सारे प्लेस करते थे हाँ, पर मैंने उसके बाद भी प्लेस किया प्लेस किए थिएटर हाँ। तो मैंने नहीं you छोड़ा मैंने अब कहीं जाके तीन साल पहले थिएटर छोड़ा और थिएटर जो है मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा

मुझे याद है मुझे किसी ने कहा कि वो आंगन टेढ़ा हो रहा था साकेबर में साकिब मलिक और रहा <laughs> तो आप मुझे किसी ने कहा कि फ्रियाल तो तुमसे मिलना चाहती है तो मैंने कहा अच्छा मैं मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आप हाँ। जा रही थी उस वक्त तो फिर मुझे बाद में आपका फोन आया था हाँ। आ, हाँ। लक्स के लिए। मैं उस वक्त ही कर लिया था, मैंने हाँ। एक बंदा जो इतनी अच्छी आपको है तो तब मेरा पहली दफा जिंदगी में लंदन का वीजा लगा था और हाँ। तो मुझे घूमने का बहुत शौक था उससे पहले दुबई जा चुका था आग टीवी के साथ तो मैंने लंदन का वीजा लगवाया पैसे जमा किए थिएटर में इतने पैसे नहीं थे तो बहुत मुश्किल से पैसे जमा हुए तो लंदन हमेशा से महंगा रहा है तो मैंने कहा मुझे जाना है तो आपके उधर से फोन आया कि भाई इस तरह अलग स्टाइल अवार्ड है तुम तो और हरीम जो है उसमें हाँ, होस्ट करो हाँ, तो मैंने कहा मैं तो मतलब हमेशा हम देखते थे अवार्ड को यार कभी एक दिन हम जाएंगे हाँ, अब मौका मिल रहा था होस्ट करने का बट दूसरी तरफ था लंदन का वीजा हाँ,

टीम ब्रांड टीम के साथ लड़ के कि जी क्यों है आपको बल्कि फजूल गजन की उन्होंने बातें की थी कि मैंने कहा और शुक्र है कि उस वक्त तक फिल्म निकल आई डोंट केयर अगर वो उनको वैसे ही फायर कर दिया तो उस लड़की को लेकिन हाँ हाँ तो मुझे शुक्र है कि चेयरमैन ने आपकी फिल्म देख ली थी okay. तो आई वॉज राइट इट वॉज की बिकॉज ऑफ द फिल्म इट वाज मेरे लिए थिएटर था बिकॉज जो बंदा थिएटर में खड़े होके सारी लाइनें याद कर सकता है और डिलीवरी कर सकता है थिएटर के ही लोग मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छा होस्ट कर सकते हैं बिकॉज़ होस्टिंग के लिए एक तो लाइव ऑडियंस होती है इस तरह के शो के लिए और फिर उसके अंदर एडलिप करना वो मुझे नहीं सब पता था वो जब फिल्म देखी है ना मैंने mm. तो मुझे समझ आई थी बहुत ही फ़नी आदमी है यू नो बिकॉज वो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर लिख भी रहा है खुद ही सो so, दैट्स मेरे तो आई वॉज सोल्ड एंड चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा यूनीबर के हाँ ये ठीक है देखो चांस ले रहे हैं ना हम oh. बहुत चांस पहले तो बहुत साल लगे मुझे ह्यूमर लाने के लिए शो के अंदर एक मोइन अख्तर साहब थे उन्होंने सेकेंड वाला होस्ट किया था हमारे लिए बट बहुत मुश्किल से तो एनी anyway, वे वो बहुत आई थिंक दैट वॉज द लाइफ स्टाइल अवॉर्ड और आपकी बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई है कहानी <laughs> हर तरीके से फिर अली जफर के साथ आपने किया था है ना आई दैट अली ने ख़ुद कहा था कि भाई उनको लेकर आएँ और मैंने कहा अच्छा ठीक है उन्हीं के साथ ही है सो so, इट्स ये बड़ी मजे की बात है कि फिर उसके बाद आपने मुझे अभी पता ही नहीं था कि होमन जहाँ भी आपने उसमें भी आपने कहा लिखा था होम जहाँ के डायलॉग मैंने लिखे थे Uh, तो उसकी स्टोरी किसी और ने लिखी थी स्टोरी किसी और ने लिखी थी हाँ। आ, उसका स्क्रीन प्ले मेरे ख्याल हाँ। ने खुद लिखा था हाँ। डायलॉग्स मैंने लिखे थे वो एक दफा मैं जहाज में था तो हाँ। मेरी फ्लाइट थी इस्लामा हाँ। तो एक साहब, एक साहब किताब पढ़ रहे थे हाँ। मेरे साथ जो बैठे थे हाँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आ, आ, क्या करते हैं मैंने कहा जी मैं इस तरह एक्टर राइटर हूँ कहते हैं अच्छा मैं फिल्म में टीवी देखता नहीं हूँ तो मैं आपको पहचानता नहीं मैंने कहा कोई बात नहीं तो कहते हैं क्या लिखा है आपने

सपोर्टिंग होते थे और वो कई शोज़ में तो वो अकेले ही आए और अकेले ही कुछ और करके चले जाते हाँ वो सब कुछ खुद करते हाँ। थे, थे और उनको आ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो तो उनको पसीना आता था हाँ। तो वो पसीना जब वो ऐसे पहुँचते थे तो हाँ। लड़के को पकड़ा देते थे, थे तो वो उसमें इतना पसीना होता था कि उसे निचोड़ा जा सकता था वो इतना स्वेट करते थे क्योंकि वो अकेले घंटों घंटों बगैर ब्रेक के चलते रहते थे और इतना कुछ उनको आ रहा होता था आ, कि मुसलसल लोग हंसते रहते थे आ, तो अगर आप वो नहीं है तो फिर आपको कोलेबरेट करना ही पड़ेगा सबके साथ और राइटिंग में तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसीलिए हमारी टी में फिल्मों में देखें तो हर बंदा एक ही तरह की बात कर रहा होता है आ, जो हीरोइन फलसफा बोल रही है हीरो को उसका कपड़े स्त्री करने वाली मासी भी वही फलसफा बोल रही है किसी को अच्छा। अम्मी भी हर में वही फलस बोल रही है जो पड़ोसन है वो भी उसी तरह की बातें कर रही है क्योंकि एक ही राइटर ने लिखा हुआ है बेसिकली किस्तों को मेरे ख्याल में राइटर्स को बिठा के लिखवाना चाहिए और कैरेक्टर्स को भी तो फिर ना वो आप जो स्त्री कर रही है उसके तो मसले ही अलग हैं उसकी तो जिंदगी है उसका लहजा ही अलग ही, है तो फिर वो कैसे बोल सकती है क्योंकि एक खातून या एक आदमी लिखने वाला है वो बस जो लिख रहा है वो सब सबके लिए वैसे ही लिख रहा है कोई ऐसी बात नहीं

अच्छा उसने बोला वो बिल्कुल फनी नहीं था अच्छा पूरे रास्ते हाँ। में वो फनी था <laughs> तो इसीलिए टे, <laughs> नहीं कर रहा था <laughs> तो बेसिकली आई एम कॉमेडियन बट तो वहां पे मैंने देखा कि लोग अक्सर लोगों को ये बताने के लिए कि हम बहुत स्मार्ट है हाँ। वो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ वो कहते मैं कॉमेडियन बनने आया हूँ तो कॉमेडी की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है या कॉमेडियन की हाँ। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ आप भी मुझे कह रही हैं तो आपको सोचना पड़ा मुझे पूछना पड़ा कि मैं आपको कह सकती हूँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे लोगों को छोटा दिखाने के लिए लोग कहते हैं ये तो कमेडियन भी हमारे हमारी सोच बहुत छोटी है क्योंकि अभी भी भी जैसे कल मैं उस आर्टिस्ट को मिली थी तो मुझे कहते हैं कि मुझे अभी भी आर्टिस्ट को मिली या मेकअप आर्टिस्ट है तो या हेयर स्टाइलिस्ट उसको नाई कहा जाता है अगर कोई डिज़ाइनर फैशन डिजाइनर है तो उसको दर्जन दर्जी किया जाता है क्योंकि अभी भी स... इतने ज्यादा एजुकेशन नहीं है हमारे मुल्क में अगर आप दर्जी, के, तो दर्जी भी छोटी किसी exactly. तो और वैसे भी काम में हर काम में इज्जत होती है और है। लोग स्ट्रगल करते आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल करते हैं एक ब्रेक जब तक नहीं आती या आपका गाना हिट ना हो जाए तो आपको वो नोटिस नहीं करता उस वक्त आप एक दम से बन जाते हैं कि हाँ पाकिस्तान में तो अक्सर ही होता है हाँ? गा कब से गा रहे थे हाँ? जब तक उन्होंने पीटी केजरी के थे। साथ नहीं किया परफॉर्म तो एकदम से हमने हवा वाह वाह करनी शुरू कर दी यही होता है ना यहाँ पे ऐसे ही होता है सैड है ये बात और हमें अभी भी आर्टिस्ट को आई मीन जो गाने वाले उनको मरासी बोलते हैं दे लुक डाउन ऑन अभी तक वो इसी तरह सोच हमारी जो है ना आई थिंक यही आई थिंक हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि दूसरों को जो चीज़ आपसे अग्री नहीं करती जिससे आप अग्री नहीं करते वो आप उसको हमेशा गलत हाँ गलत तरीके गलत से उसको छोटा कर देते हो बढ़ाने के बजाय कि इज्जत हाँ। देने के बजाय आप कम कर देते हो तो आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन थे मेरे फेवरेट कॉमेडियन बहुत सारे हैं मुझे

नए लोगों में मुझे बहुत लोग पसंद है अच्छा। तो वो भी नए नहीं नए नहीं। मुझसे तो सीनियर है हाँ। मुझे बरकत उजनी बहुत पसंद अच्छा। है अच्छा और मुझे दानिश नवाज भी बहुत पसंद है अच्छा, मुझे ना मुख्तलिफ किस्म के सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अट्रैक्ट करते हैं हाँ। हर बंदे का अलग ऑफर था मैं इतने ड्राई लोगों से मिला हूँ जिनको लोग कहते हैं यार बहुत बोरिंग आदमी है और मैं उसके साथ बैठा हूँ और मुझे अंदाजा हुआ इसका तो एक बिल्कुल नया सेंस ऑफ ह्यूमर है बिल्कुल अल अलग है ये बाकी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसलिए वो ड्राई और बोरिंग कह रहे हैं तो मैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर की खोज में रहता हूँ हाँ। तो मुझे बहुत सारे लोग बहुत फनी लगते हैं ठीक है और और वेस्टर्न कॉमेडियंस में कौन पसंद है मुझे जिम कैरी की फिल्में बहुत देखी हैं जेरी लुइस एक होते थे पुराने। हाँ वो आए। उनकी कॉमेडी मुझे चार्ली चैपलिन तो सबके सबके फेवरेट है साइलेंट वो तो और भी मुश्किल था ना बिना बोले हुए भी फनी होना और एक वो चाल बनानी और एक कैरेक्टर बना देना विलियम्स मुझे बहुत। और ऑपन विलियम्स यू नो और जब आपने भी बात की ना उनकी जिम कैरी की तो जो आप टैक्सी वाली बात कर रहे थे आपको पता है कि जिम कैरी कनेडियन है क्योंकि अच्छा। तो मैं कनाडा में भी रह चुकी हूँ पाँच साल तो वहाँ पे जिम कैरी एक्चुअली अपनी बहन के घर में पीछे एक टेंट में रहते थे okay. वो उनको जब तक वो ब्रेक नहीं मिली तो वो अगर टैक्सी वाला था तो वो भी एक टेंट में रह रहे थे जब तक वो फेमस नहीं हो हुए, तो ये एक स्ट्रगल होती है आर्टिस्ट के लिए अंग्रेजी तो में था इंग्लिश था बीस मिनट की राइड में कोई फनी बात कोई फनी बात नहीं की उसने भी बहुत सैड था

इनफैक्ट अब डिप्रेशन के बारे में बात होनी शुरू हो गई है या अभी भी कई घरों में अगर कोई बच्चा कहे कि यार मुझे डिप्रेशन है तो घर वाले कहते हैं ये नई अब चीज़ आ गई है बच्चों को डिप्रेशन बच्चों का डिप्रेशन से क्या ताल्लुक है तो उनके ख्याल में डिप्रेशन होना चाहिए सत्तर साल के बाद या साठ साल के बाद तो अभी तक डिप्रेशन के बारे में पता भी लोगों को नहीं एनजाइटी और डिप्रेशन में भी फर्क नहीं पता तो अभी बड़े पीछे हैं हम लोग इस सारे मामले में अभी अगर डिप्रेशन आपको है भी तो छुपाया ही जाता है उसको बताया नहीं जाता क्योंकि बताने का मतलब है कि की पागल तो बत... है पागल है या फिर आप, आप बताएं तो मेरा तो पूरी बात बताएंगे किस हाँ। वजह से डिप्रेशन है हाँ। अगर डिप्रेशन का आपको ही पता चल जाएगा हाँ। हाँ। किस वजह से तो आप खत्म नहीं कर एग्जैक्टली और उसको जो सीक्रेट सीक्रेटनेस है उसी से इंसान की और भी चीजें बढ़ती हैं हमारी सोसाइटी है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती वो है कि जो हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक तो बहुत बहुत कम है, हाँ। दूसरा जो है वो आधे अच्छा, से ज़्यादा बस हैं, तो ऐसे है कि उन्होंने बस एक पकड़ा हुआ हाँ। हाँ। और उनके पास है कि बस आप मुझे एक घंटा दें, उसमें मुझे इतने पैसे दें और मैं आपकी सारी कहानी सुनूंगा अच्छा वो तो बहुत वो, सारे लोग जो काम दोस्तों के साथ किया जा सकता है ना वो को किसी जो जिसको आप जानते हैं उनसे नहीं बात कर सकते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप कितना भी आप कंफर्टेबल हो वो आपको एक एक स्ट्रेंजर के साथ बात करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो एक बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते मगर ये जितनी ज़रूरी चीज़ है इस पर उतना काम नहीं किया जाता है हमारे यहाँ हार्ट सर्जन बहुत होंगे शायद लेकिन साइकोलॉजिस्ट उतने नहीं है नहीं हैं नहीं, नहीं है। और ये रूट कॉज है जो बाकी सारी चीजें हम, हम में देख रहे हैं उसकी मतलब की भी शायद यही root cause है आ, डिप्रेशन की भी यही root cause है, आपके, आ, किलिंग्स की, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी तो मेजर कॉज है आपने कहा भी था कि अगर आप अपनी बेगम को मारेंगे तो आपका बेटा आपसे क्या सीखे जाएगा वो यही सीखेगा और बेटी भी यही सीखेगी कि ठीक है मानने दो हाँ।

अगर आप इंटेलिजेंट इंसान हैं तो आप उसको डिफरेंटली हैंडल कर सकें पीट से नहीं हैंडलिंग होती चीज़ों की तो ये अम, ये एक बहुत सीरियस बात है मेंटल हेल्थ और फिर हमने मैंने अक्सर देखा कि मैं तो आपको आई थिंक 2015 से ही जानती हूँ जब मैंने आपको 2013 में देखा था प्ले में टू में।, में किया था आपने प्ले।, प्ले हाँ तो वो भी दस साल हो गए तो उस वक्त से मैंने आपकी एक प्रोग्रेस देखी है जो कि बिकास जब मैंने आपको पहले फोन किया था ना तो आप बड़े वो आप ये करते हैं ये आपका मजाक है शायद मुझे पता है कि आपकी पर्सनैलिटी है you know, like. मुझे कोई जरूर उधर से कुछ आ नहीं रहा था ना दूसरी तरफ से कोई वो ताकि मैं वो बहुत एक्साइटेड है नहीं एक्साइटेड है खुश है नहीं है थोड़े सरप्राइज हैं क्या है तो मैंने इतनी थोड़े भी अजीब ही बात है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो लंडन जा रहे हैं या कुछ और वो नहीं है अभी अवेलेबल तो मैंने कहा ये क्या बात हुई मैंने फोन बात करूँ मैं लंडन आप भी एक्सपेक्ट कर दी वो तो कुछ छोड़ के करेगा ये काम और ऑब्वियसली मैं करना चाहता था मगर मेरे लिए ट्रैवलिंग उस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट थी आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब मैं ट्रैवलिंग के लिए चीजें छोड़ देता हूँ मतलब you. मैं अपना <laughs> अपना ट्रिप नहीं आगे पीछे कर सकती yes, अभी भी, भी हम लोग थाईलैंड जा रहे थे न्यूयर्स के लिए तो कोई एड शेड ऑफर हो रहा था तो मैं उसे का, मैंने उससे कहा मैंने कहा भाई ये मैं नहीं इसको रिस्क हाँ। ले सकता बिकॉज और आएगा फिर अभी मेरा ना यूएस हाँ। का वीजा मैंने हाँ। अप्लाई कर दिया हाँ। तो वो डेट आ गई हाँ। अब दो दिन बाद मेरी थाईलैंड की फ्लाइट और वो डेट आ गई मैं पासपोर्ट लेके गया हूँ उसने कहा जी ठीक है हम पासपोर्ट आपका रख रहे हैं मैंने कहा मुझे थाईलैंड जाना तो गोरा मुझे देख रहे हैं मतलब तुझे वीजा नहीं चाहिए मैंने कहा भाई वीजा चाहिए लेकिन मैं थाईलैंड से वापस आऊंगा फिर आपको पासपोर्ट दूंगा उसने कहा ठीक है थाईलैंड तो हाँ। नहीं छोड़ा नहीं बिल्कुल सही है आई थिंक वो डिपेंड करता है ना कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए अगर किसी को चाहिए वो वीजा हो, या वो किसी को वो पैसों की जरूरत है वो ऐड करना है तो करें लेकिन आप अपने चूज हाँ। करते हैं ना चॉइसेस है। हैं आपकी जिंदगी में और बैलेंस बैलेंस भी रखना पड़ता है ना कि थोड़ा सा और इतना लालची होना भी नहीं चाहिए इंसान को कि हर वक्त पैसे के लिए कुछ भी छोड़ सके बिकॉज आपको वो ब्रेक जरूरी है आपके लिए बहुत मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी बहुत है कि आप ब्रेक लें और ट्रैवल करें हाँ। या कुछ भी करें घर पे बैठे हाँ, और अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है उसका देखना भी देखना जरूरी है अगर आप अफोर्ड कर सकते तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल सो वो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की और फिर मैंने ये फिर देखा कि पिछले कुछ सालों में आप बहुत ज्यादा खातीन के की, की बातें और एम्पावर्मेंट की बातें आपने की हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त बातें हैं एंड आई थिंक ऑब्वियसली आपकी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत रेडार के अंदर अंडर रहती है क्योंकि यू नो यू यू आर मैरिड टू इकरा इज़ अ लवली गर्ल ठीक है ना लेकिन आप हैं आउटस्पोकन और आप अपनी जो भी आपकी जो सोच है तो ये कहाँ से आई ये ये पहले से थी इज इट बिकॉज ऑफ योर मदर क्लोजनेस टू योर मदर आपके फादर भी ऐसे थे मेरे अब्बा ऐसे थे अच्छा ठीक थी. है हाँ। अब्बा को शायरी पढ़ने का शायरों से दोस्तियाँ थी हाँ। और हमारे घर शायरों का आना जाना था अच्छा, अदाकारों का आना जाना अच्छा। था तो उनकी वजह से मुझे ये आ, मिला और वो भी आउटस्पोकन आदमी थे अच्छा और आउटस्पोकन होना मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आउटस्पोकन होना सच्चा होना ये बुरी बात नहीं है अजीब हो गया है माशरा थोड़ा ऐसे कि एक बात है कि ये आदमी अपनी बीवी का ख्याल रखता है ये तो बहुत नॉर्मल बात नहीं है क्या ये तो होना ही नहीं चाहिए जैसे आप बता रही हैं लोगों को कि यासिर जो है अपनी इज अ वेरी गुड हस्बैंड मेरे इंट्रोडक्शन का हिस्सा बना दिया आपने क्योंकि शायद ये चीज रेयर हो गई है इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि ये किस की स्पेशल क्वालिटी है जबकि स्पेशल क्वालिटी नहीं है ये तो मेरा फर्ज है बीवी के साथ अच्छा होना जी। या सच बोलना किसी को हम कहते हैं यार ये बड़ा सच्चा आदमी है वैल्यूज की बात है ना so, ये, हाँ। ये बड़ा सच्चा आदमी है हाँ। तो सच्चा आदमी होना तो कोई ये तो है ही ना ये तो होना बिल्ड होना ही चाहिए इसमें ऐसी कौन सी बात है कि लोग बता रहे हैं कि सच्चा आदमी तुम्हें पता है और ये बीवी का बहुत ख्याल रखता है हस्बेंड तो ये 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 तो है ये बीवी बात को मारता नहीं है इसने आज तक अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मारा इसमें कौन सी बात है, नहीं है बात तो नहीं मारना सही बात है सही है बिल्कुल ये वाली वो वाली बातें हो गई है कि अब आपको आउटस्पोकन अगर आप है तो आउटस्पोकन होना एक बुरी चीज समझी जा रही है बुरी बात नहीं है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मुझे काम नहीं करना मैं उसको नो कह दूंगा ये बुरी बात तो नहीं है नहीं। मैंने जब से डायरेक्शन शुरू किया मैंने कसम खाई थी कि अगर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस मेरे एक प्रोजेक्ट को मना करेगा मैं उसको जब मौका मिलेगा कोई कैरेक्टर आएगा मैं दोबारा जरूर कास्ट करूंगा क्योंकि मैंने मैंने ये फेस किया कि मैंने जब भी जिंदगी में किसी डायरेक्टर को मना किया मैंने प्रोजेक्ट को मना किया मैंने डायरेक्टर को, 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 को मना नहीं किया या प्रोडक्शन हाउस को मना नहीं किया मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं ठीक लगा मुझे अपना कैरेक्टर नहीं ठीक लगा इसलिए मना किया या मैं चूज ही हूं इसलिए मैंने मना किया इसलिए नहीं मना किया कि आप बुरे डायरेक्टर हैं आप बुरे राइटर हैं या

हाँ तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे अब खैर अभी तो बहुत ही बुरा हाल है मुल्क का आप खुद आप खुद देख सकते हैं मैं तो खुद हैश टैग लगाया हुए पुराना पाकिस्तान क्योंकि टेररिज्म वापस आ गई है महंगाई डॉलर फिर ऊपर फिर वही यू नो स्ट्रीट क्राइम फिर डॉलर नीचे कब आया था ये मेरा सवाल है। <laughs> ये एक मेरा सवाल तो है सही बोला कभी नीचे नहीं आया नहीं पेट्रोल कब ऊपर जाके वापस हाँ। पांच साल वाली कीमत पे आया। कभी भी नहीं आया कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने पेट्रोल और डॉलर पिछले पांच साल जगह पर ले आए हाँ, इवन आटा हाँ। नहीं आया ना सब ऊपर ही जा रहा है हाँ। आगे से आगे जा रहा है इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है पच्चीस परसेंट भरना बहुत ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैं इस गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि गवर्नमेंट कोई भी हो से सवाल पूछने का हक होना चाहिए हाँ। चाहे वो इमरान खान हो हाँ। चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो हाँ। आपको हक है हाँ। आपने उनको वोट दिया है तो हाँ। आपको हक है कि आप उनसे पूछे भाई ऐसा क्यों हो रहा है हाँ। मजे की बात यह है यहाँ पे ना आप अपने पोलिटिकल लीडर को अपना रिलीजियस लीडर बना लेते हैं और आप उससे सवाल पूछना भी तोहिन समझते हैं उस लीडर की ये नहीं होना चाहिए

जब हम गए थे के ऑफिस तो उन्होंने कंटेनर्स खड़े हुए थे और बच्चे थे वहां पे और खातीन थी और इतना हाँ डरते हमसे <laughs> <laughs> कंटेनर खड़ा मैं, मैं, मैं उस प्रोटेस्ट के बाद मैंने तो कहा भाई रहने दो ये यह, यहाँ बिजली नहीं आई और नहीं आई मैं बैरियर शिफ्ट हो गया वहाँ वह आती, वह आती है जी वहाँ नहीं जाती है अभी तक तो वाह जब तक हमारी जान नहीं हाँ, छूटेगी तो हम कैसे कोई क्रिएटिव चीज सोचेंगे या कैसे भलाई के बारे में सोचेंगे मेरे घर की दीवार टूटी हुई और मेरे घर में आटा नहीं है तो मैं पहले दीवार बनाऊंगा कि आटा लाऊंगा मैं आटा लाऊंगा तो हम बेसिक नेसेसिटीज़ में फंसे हुए हैं, हाँ। वही मसले हल नहीं हो रहे तो हम आगे को कैसे अभी हम बात थे में सोचेंगे आप बिजली के बारे में सोचेंगे वही वाली बात हो जाती है इसीलिए हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं और कॉजेज हैं जैसे कि मैं आप सबको बता दू कि जब हाईवे का जो रेप हुआ था खातून के साथ उनके बच्चे भी थे बच्चों को भी पारा पीटा गया था तो सबसे पहले यासिर ही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई के एक ग्रुप बनाया हम सारे सेलेब्रिटीज़ के साथ और हम लोग सारे गए उस प्रोटेस्ट के अंदर प्रेस क्लब पे और बहुत लोग गए थे सब भी थे आई थिंक हमारे साथ याद है आपको तो वो एक एक किस्म का आपका मैं उस वक्त से देख रही हूँ ना कि यू बिन वन वेरी एक्टिव और आपकी कुछ बातें जो कि मुझे बहुत आ, मैंने जो पढ़ी अब जो भी आपकी वो ट्वीट्स आती हैं या ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे आप लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी इस वक्त बिकॉज यही जैसे आप कह रहे हैं ना इस वक्त हम लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते दे पाते और मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त से जब से हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जैसे मैं चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ वो चीज़ें भड़ गई हैं सोसाइटी में बिकॉज इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और और वैल्यूज जैसे आप कह रहे हैं ख़त्म हो गई हैं कि आप बड़े अच्छे इंसान मैं आपको कह सकती हूँ कि अरे तो अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए हाँ, ना आप नहीं करेंगे आप चोरी नहीं करेंगे दिकैती नहीं करेंगे आप किसी को मारेंगे नहीं ये तो आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मगर कर रहे हैं लोग राइट क्योंकि एक मिसाल देता हूँ कि मैं कहूँ जी ये फरिया जो है बड़ी

और फोट्राइट बट अब नहीं कर सकते और हो सकता है कि ये सारी बातें इसलिए सामने आ रही हूँ क्योंकि हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है तो अगर कोई भी हम हरकत कर जाते हैं जो कि पहले लोगों को नज़र नहीं आती थी या पता नहीं चलती थी चार लोगों के बीच में होती थी वो अब या तो हम ख़ुद ही लगा देते हैं सोशल मीडिया पर बाद में रिग्रेट करते हैं और माफिया मांगते हैं या फिर लोग उठाते हैं उस चीज़ को और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं या वो आप ज़्यादा देख रहे हो कि लोगों में के घर के, के अंदर क्या हो रहा है वायरल हो जाती है ना चीज़ें हमें नहीं पता होता कि कौन हमारा वीडियो बना रहा है तो ये आई थिंक ये ज़्यादा सामने आ रहा है मेरे हिसाब से तो ये हमेशा से है सीक्रेटिव सोसाइटी हमारी हमेशा से है कभी मेंटल हेल्थ की बात की ही नहीं थी अब तो एटलीस्ट टॉपिक्स की बातें करनी शुरू की हैं क्योंकि यू नो हमारे पास एक आवाज़ आ गई है हमारे पास आवाज़ सबके पास नहीं है मुझे अच्छा लगा कि कैमरा है हाँ. में और शुक्र है कि सोशल मीडिया है की हाँ. वो कम से कम पता तो चल सका वर्णा हाँ. वो तो पता भी ना चलता कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ यू कैंट गेट अवे थिंग्स जैसे वो जो लड़की में जी जिसके वो बाल काट रहे थे गंजा कर रहे थे यू you नो know, ये ह्यूमिलिएशन जो थी वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो फिर आगे आ जाती हैं और फिर आवाज़ उठती है और फिर कुछ ना कुछ और कुछ नहीं कुछ तो लोगों को पता तो चलता है यू नो अवेयरनेस तो आ रही है लोगों में और आ, आ, बस इसके लिए ना कानून साजी तो हो ही जाती है पर अमल नहीं होता अमल अगर, नहीं अगर नहीं। अब बहुत अरसे और नहीं होगा ना तो कुछ अब अच्छा नहीं होगा फिर आप तो आप बहुत समझदार हो होगी अब अब मुझे अब अपनी जो आप जिस तरह आप सोचते हैं ख़वान के बारे में और जिस तरह आपने कहा भी था कि लिबास के बारे में आपने बात की थी एक तो आपकी एक स्टेटमेंट आई थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी बात कि भाई आप उसको तो जज नहीं करते जो क्योंकि अगर वो एक दिन शलवार कमीज पहनती हो दूसरे दिन पैंट पहन के आ जाती है तो उस पर आप आवाज़ उठा लेते हो राइट यही बात की थी ना आपने तो इसके बारे में ज़रा बताएं मुझे कि ये इन इन सबको बताएं दोबारा से ताकि लोगों को ये ये समझते हैं कि बस आपका जो लिबास है उसी उसकी वजह से आपको आपकी स्टेरियो हो जाती है मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर मैं खुद ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पर आज भी अगर आपने मॉडर्न लड़की दिखानी है तो उसके बाल छोटे होंगे उसने जीन्स पहनी होगी और शर्ट टी शर्ट पहनी होगी ये मॉडर्न होने का क्राइटेरिया है मेरे ख्याल में मैं बहुत सारी ऐसी जानता हूँ मॉडर्न है वो कमीज पहनती हैं बहुत मॉडर्न सोच है उनकी हाँ। बहुत मॉडर्न ख्यात हैं उनके हाँ। उनके एक्ट्स बहुत मॉडर्न है मगर वो शुलवा कहनती है और दूसरा अगर ड्रामे में आपने झूठी करप्ट लड़की दिखानी है हाँ। उसके भी बाल छोटे होंगे और वो सिगरेट भी बीती होगी यानी कि उसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उस पे स्टेरियोटाइप तो हम खुद कर रहे हैं ना स्टेजो टाइप तो हम खुद कर रहे है हम टीवी में होते हुए इस तरह कर रहे हैं

जीप में ठीक जीप में। हाँ। है हाँ। इससे ज़्यादा मजबूत लड़की क्या दिखाएंगे मैं तो जाऊंगी मेरा भाई भी साथ जाएगा हाँ, सही है ना। <laughs> रो। हाँ। और दूसरी तरफ लाहौर से आगे में जो सबा कमर हमने दिखाई थी वो सिंगर बनने निकलती है तो वो मुझे ड्रॉप करने के लिए सवाद तक पहुंच जाती है अकेली गाड़ी चला के तो ये मज़बूत लड़की ही दिखाई थी ना मैंने हाँ। कहीं मैंने नहीं उसको थप्पड़ मारे ना कोई इस तरह की चीज़ हुई और हसीना मोइन की भी जो सारे कैरेक्टर्स थे वो भी इसी तरह की थी वो थोड़ी होती थी रोने धोने वाली और थप्पड़ खाने वाली वो सारी हाँ। स्ट्रोंग औरतें होती हाँ, थी थी। हाँ। ये अचानक से हमारा ड्रामा जो है ना बिल्कुल औरत को उन्होंने इतना वो दिखाना शुरू कर दिया और क्योंकि पूरा ड्रामा छब्बीस किस्ते तो आप नहीं देख सकते तो कोई कहीं से भी देखेगा तो उसको लगता है यार देखो लड़की ये देख रहे हो इस लड़की को कितनी अच्छी है खाना भी बना के दे रही थप्पड़ भी खा रही कुछ बोल भी नहीं रही हाँ। तो आप खुद इस तरह की औरत दिखाए हाँ। चले जा रहे हैं हाँ। के के लिए हाँ। के लिए बिल्कुल तो अभी दुरे फशा ने भी कहा है ना कि मैं नहीं करूंगी अब दोबारा इस तरह का ड्रामा आपने पढ़ा वो नहीं मैंने नहीं पढ़ा उन्होंने क्या कहा कि मैं वो जो अभी उन्होंने किया है ना क्या नाम है मुझे तो ज्यादा देख मैं तो देखती नहीं हूँ काफी मुझे तो पता भी नहीं उसमें है क्या लेकिन मैं उनका इंटरव्यू जरूर पढ़ रही थी बिकॉज मुझे वो मिली थी और वो मुझे फिर बताया गया था फीफी ने बताया था कि शी इज अ वेरी एजुकेटेड गर्ल तो उन्होंने भी जो ख़त्म किया उन्होंने जो जो प्ले ख़त्म किया उन्होंने कहा मैं इस तरह का कभी नहीं करूँगी नहीं मुझे तो ये हाँ। हैरत ये है कि आप हीरो को एक ऐसा आदमी दिखा रहे हैं वैसे तो कहानी किसी भी तरह की हो सकती है फिल्म में कि आप पर देखिए फिल्म जो है ना फिल्म में आप अपनी मर्जी से टिकट लेके जाते हैं तो आप देख पाते हैं एक चीज फ्री आपके घर में आ रही है और 26 किस्तों में छह महीने चल रही है ये आपके दिमाग बनाने वाली बात है exactly. कि आप एक लड़के को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कहीं भी रोड पे गाड़ी रोक रोके उसके बाप से उसकी बेटी को छीन के उस कह रहा है मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा और जबरदस्ती उससे शादी कर रहा है और फिर मार रहा है उसे और लड़की को उससे मोहब्बत भी हो रही है तो आप ये दिखा रहे हैं कि यार आप लड़की पे इस तरह का जुल्म करेंगे तो उसको प्यार हो जाएगा आपसे कैसे हो जाएगा ऐसे प्यार यार कैसे होगा गलत चीज है बहुत गलत चीज है इंडिया में अगर ऐसी फिल्म बनती है कोई अभी शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी उसका नाम आई डोंट नो उसका नाम क्या हाँ। था कबीर सिंह अब कबीर सिंह हाँ। में उन्होंने इसी तरह की चीज दिखाई कि हाँ। लड़की को से प्यार हो जाता है हां बट वो फिल्म थी हाँ। आप अपने बच्चों को लेके हजारों रुपए के, के टिकट लेके जाएंगे तो देखेंगे उसका एक सर्टिफिकेट है हा ना हाँ। कि इतने साल के लोग देख सकते हैं कि इतने के नहीं जो ड्रामा टीवी पे आ रहा है वो फ्री है और कोई भी देख सकता है वो बच्चा भी देख के सीख सकता है उससे और बड़ा भी देख सकता है उसमें तो थोड़ा सा हमारे यहाँ सारा सेंसर बोर्ड जो है ना वो वाकिट फिल्म पे बैठ गया है हाँ। और टीवी टीवी का कोई सेंसर नहीं है। सही बात टीवी है। पे आप कुछ भी दिखाते फिरे। सही बात मतलब बात, बात बात पे पिटाई हो रही है औरत की हाँ। बात बात पे और हाँ। जलील किया जा रहा है और फिर वो जलील करने वाले से मोहब्बत भी कर रही होती है हाँ। तो वही देख के तो अभी जो हमारे हीरो बीवियों की कुटाइया कर रहे हैं वो यही सब हो रहा है कि वो ड्रामे में इतना इन्वॉल्व हो गया लग रहा है यही ठीक है मैं थप्पड़ मारूंगा तो कल ये प्यार हो जाएगी आप कैरेक्टर में घुस कि आप वैसे ही बन जाए नहीं ऐसा नहीं होता आप ऐसे होते हैं तो शायद आपको वो वाले कैरेक्टर्स ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है मुझे ऐसा लगता है <laughs> आप इजीली वो right. ना वो कैरेक्टर कर पाते हैं right. शायद इसलिए आपको वो कैरेक्टर्स ज्यादा मिलने लग जाते hmm. हैं जैसे मुझे कॉमिक कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं क्योंकि कॉमेडी आसानी hmm. से कर लेता हूँ

लड़कों का कॉलेज था लड़कियों वाला मेरा कॉलेज ही लड़कों का कॉलेज है।, है उसके बाद अच्छा किसी वा, से वा, कोई नेबर <laughs> कोई किसी कजन कजन से तो नहीं होने चाहिए लेकिन नेवर? कोई नहीं था क्रश कोई क्रश आ, नहीं था मेरे, मेरे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जो मुझे अच्छी लगती थी हाँ, फिर मगर आ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम थे रावलपिंडी में हाँ। रावलपिंडी इतना कोई मॉडर्न शहर नहीं था वहाँ पे ये सारी चीज़ें ना बहुत जो लोग करते थे उनको हमने पिटते हुए भी बहुत देखा पिंडी बॉयज कहते थे उन्हें हाँ <laughs> तो वो वो टैग भी नहीं आपको चाहिए था राइट right, <laughs> <आएक, आएक, आएक, laughs> तो मेरी जिंदगी काफी शरीफ गुजरी अच्छा, है अच्छा ओके और बाकी जो चीजें मैं कभी भी नहीं चाहूंगा बट मस्ती तो की होगी बस कोई अच्छा शरारत सुना ना कोई शरारत तो की होगी शरारत हाँ सबसे कोई शरारत की थी कभी मैं बहुत शरारती रहा हूँ मतलब मम्मी के साथ कोई शरारत की थी अम्मा के साथ हाँ। नहीं, नहीं अम्मा, अम्मा जो है ना वो बहुत बटे से पैसे भी नहीं चुराए कभी अम्मा ने पैसे चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ी और प, 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 कभी इधर भागे नहीं और यू नो दोस्तों झूठ बोल के निकल गए कुछ तो किया होगा लोगों को इस तरह बहुत जब नया नया मोबाइल फोन आया था तो मेरे पास बहुत जल्दी फोन आ गया था अच्छा क्योंकि मेरे भाई के पास मेरी बहन के पास फोन था वो बाहर चली गई थी तो उनका फोन मेरे पास आ गया था और वो फ़ोन तो आया मगर फ़ोन में डालने के लिए ना पैसे थे ना कोई था जो हमें कॉल करे तो फ़ोन की कोई फायदा नहीं था तो वो फिर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ करते थे क्या करते थे कि दोस्तों को कॉल करके ना हाँ, उनके घरों पर हाँ, मोबाइल नंबर से हाँ, और क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाता था हाँ, तो फिर उनको लड़की बनके आ, लड़की की आवाज में उनको बेवकूफ़ बनाते थी। <laughs> तो वो बात करते थे हाँ वो क्रेडिट भेजते थे तो वो भेजते थे जो इंटरनेट पे भी कार्ड लगता था इंटरनेट पे कॉलिंग कार्ड होता था क्या होता था तो उस कार्ड के नंबर मंगवाते थे अच्छा और इस तरह ये बहुत किया दोस्तों के साथ बट दोस्तों के साथ इसी हादसे कोई प्रोफेशनल फ्रॉड नहीं किया मैंने तो फिर अब ये तो बताया ना फिर आपकी इकरा की कहानी तो मुझे पता है आपने मुझे उस दिन बे... हमें याद है जिस दिन हम आसिम रजा के घर गए थे हम सब बैठे हुए थे रात शो के बाद सब ने अपनी कहानी अहमद हाँ। अली भट्ट ने भी बताई आतिफ असलम ने भी बताई हाँ। आसिम ने भी आपने हाँ। भी बताई आसिम ने पुरानी वाली बताई थी <laughs> बहुत <बरे हो> तो <laughs> <laughs> आपने जो कहानी बताई थी ना पढ़ वो, वो तो भी लिया इंटरनेट पे तो वो तो, मगर वो उसमें टोरंटो में वहाँ पे आपकी एक्चुअल कहानी शुरू हुई थी लव मुझे थी। मेरी मुलाकात पहली इकरा से वहाँ वहीं हुई थी, वही हुई थी। हाँ जब वो फोन उसका घूम गया था वहां और उसके बाद हमने टोरंटो में कोई तीन चार दिन हम लोग साथ घूमते रहे

बट उसने पहले कहा था नहीं अभी तो मैंने शादी नहीं करनी मैं तो पाँच साल बात करूंगी छोटी है ना वो तो मैंने उसकी अम्मी से पूछा हाँ। तो उन्होंने भी कहा कि कहाँ साल बाद तो हाँ। अम्मी से मैंने बार्गेन करके उस पाँच साल को तीन साल में ले <laughs> और भी <laughs> तीन साल में लिया।, <laughs> लिया है और दो साल में शादी होगी और अच्छा मुझे बताया जब आपने इकरा को प्रपोज किया था उनको नहीं पता था

मैंने जब यास को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ठीक है मंगनी नहीं हुई हुई बात पक्की हो गई है लेकिन मंगनी नहीं हुई हुई और फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान में किसी ने यह आज तक नहीं किया पब्लिकली ओके क्योंकि बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर एनएफएल एफ गेम्स हो रही हैं और फुट फुटबॉल खेल रहे लड़का जाके वो बड़ा सा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा विल यू मैरी मी बड़े सी स्क्रीन पे ऊपर आ रहे हैं क्योंकि मुझसे हर इंटरव्यू में सवाल होता था आर आर यू यू डेटिंग डेटिंग बेटिंग क्राजीज आप शादी हाँ, करने वाले हैं हाँ, तो आप जाहिर है किसी लड़की के बारे में ऐसे नहीं बता सकते अगर आप हाँ, उसको शादी नहीं करने वाले हैं हाँ, फिर होता है ना कई आपके सामने एक्टर्स हैं लोग हैं हाँ, जो पहले डेट कर रहे थे बाद में हाँ, उनकी शादी नहीं हुई हाँ, वो पूरी जिंदगी के लिए उनके साथ जुड़ गए मैं कभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया कभी तो मैं एकरा कभी मैं नहीं बता रहा था बट क्योंकि फैमिली में बात हो थी। थी। बात हो हो चुकी थी उसके याद है, हम कितना डरे थे। आप कि पक्की तो नहीं ये ना इनकार कर देगी अगर तो बड़ा फिर ना बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी अब मैं भी सोच रहा हूँ हाँ मैंने ना अंगूठी निकालूंगा आगे शादी नहीं करनी और मैं कहूंगा घर में तो तू मान गई थी यहाँ पे तो मुझे था मैंने कह बता देंगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं आएगा तो मैं चाहता था कि आए लेकिन फिर आपने एक और आइडिया दिया आपने कहा था असद और जारा को ना राइट एंड लेफ्ट बिठा देते हैं तो जैसे ही उसके पास तुम तो आओगे ना तो वो उसको ऐसे करेंगे यस बोलो यस बोलो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव मैंने कहा ये ना कहे फिर नदीम साहब को आप बहुत नर्वस थे आप कर लेती आप करें ना कभी मैं कभी भी ना कितने हजार लोग बैठे हुए थे बहुत इट्स नॉट द इट्स अ मिलियंस बिकॉज सब लोग अपने फ़ोन निकाल के वो वायरल मोमेंट हो गया वो सब दुनिया में फैल गई बात और पाकिस्तान में कभी किसी ने किया है था उस बेचारे लड़के ने जब यूनिवर्सिटी में किया उसको तो निकाल दिया यूनिवर्सिटी से वो नहीं देखा था आपने सीन बिल्कुल कायदेमर्सिटी पता नहीं कहाँ वो लाहौर में इस्लामाबाद में एक लड़के ने उसको निकाल दिया लड़की ने मना कर दिया था नहीं नहीं, लड़की ने तो हाँ कर दी पर उन्होंने झप्पी डाली तो लोगों ने इतजाज किया था यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया चले कोई लड़की तो मिल गई नाग्री ऐसे होता है अजीब अजीब चीजें हो सकती है you know? mm -hmm. तो एक बहुत ब्रेव हर चीज होती है कि इंसान ये करे और सबके सामने करे यू नो वो मैं उस दिन मुझे याद है मुझे ट्रोलिंग भी हो रही थी लेकिन लोगों ने बहुत पसंद भी किया ट्रोलिंग करने वाले ज्यादातर लोग पता कौन थे जिनकी बीवियों ने उन्हें कहा कि देखो ऐसे होता है <laughs> तो उनकी हड़के सारफा मैं गास सारा कुछ फिर <laughs> एक दफ़ा मैं गया हाँ। मॉल में हाँ। तो मैं अकेला ही था तो एक साहब आए उनके साथ हाँ। उनकी दो बेटियाँ थी एक सोलह साल की होगी हाँ। एक सत्रह साल की होगी हाँ। ऐसी तो वो दोनों बच्चियाँ मेरे पास आई तो उनमें से एक जो छोटी वाली थी वो कहती है कि आई लव यू आई लाइक यू वेरी मच तो मैंने कहा थैंक यू तो कहती है कि द वे यू प्रपोज इक्रा दॉ वेरी दैट मोमेंट वॉज लाइक अ फेरी टेल इट वॉज तो उसके लिए वो एक फेरी टेल थी क्योंकि लड़कियों का क्या आधी ज्यादा लड़कियों से आप पूछे बचपन में क्या तो वो कहती है हमें शादी करनी है छोटी बच्चियां गुड्डे गुड़िया की भी शादी कर रही थी। तो ये सब कुछ का इतना शौक होता है और जिस तरह से ग्लैमराइज हमारी शादियां होती है और फेस्टिवल होता है पूरा तो उन्हें शौक होता है उन्हें पसंद होता है फिर उन्हें दूसरी बात ये पसंद होती है कि कोई इस तरह आके घुटनों पे बैठ के प्रपोज करे तो वो उस बच्ची को इतना ज्यादा पसंद आया मैं उस बात की वजह से मुझे नहीं पता उसको एक्टिंग या राइटिंग या किसी और चीज के बारे में भी पता रोमांस हाँ ठीक हम पाकिस्तानी ऐसा ही है रोमांस जो है ना वो अकेला आता नहीं है उसके साथ बहुत सारी चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम सारी सब चीजें आती है तो आप फिर वो कुछ ही दिन गाने भी अच्छे लगते हैं सॉन्ग्स पे शिफ्ट कर जाते हैं वो भी हमें पसंद है है तो मुझे दोना, मेरा दोना। सिर्फ ये है सोचना हाँ। कि पाकिस्तान में अगर आप अपनी बीवी को मुझे याद है पिंडी जैसे जगह पे मेरे अब्बा पिंडी में ये रिवाज था कि आप अगर, अगर अपनी बहन के साथ जा रहे हैं जो कि बहुत बेवकूफाना सा कल्चर है तो आप आगे चलेंगे और बहन पीछे चलेगी दो कदम और आप न्यू लड़कों को देखते हुए जाएंगे कि कोई मेरी बहन को देख तो नहीं रहा तो आप उसे डब्बे में बंद करके ले जाए अगर आपको इतना ज्यादा ये कौन सी प्रोटेक्शन है

कोई दो मियां बीवी ऐसे देखे हैं जो बहुत प्यार करते हो हाँ। मैंने अपने माँ बाप को देखा है हाँ। मैंने किसी और को नहीं देखा मतलब नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ जब होता मुझे लगता है मैं अपनी बीवी से इतना प्यार नहीं करता शायद जितना मेरे अब्बा मेरी अम्मा को करते थे nice. तो इतने प्यार करने वाले लोग जब आपने देखे हो हाँ। उसके बाद आप अगर अपनी बीवी के साथ ऐसे हैं, तो कोई कमाल नहीं है ये आप yeah. ये तो आना ही था आपके ये अंदर ये तो, तो चीज मगर पाकिस्तान में अपनी बीवी को चूम लेना हाँ। उसे गले लगा लेना वो बुरा है ये बुरा है थप्पड़ मारो अपनी बीवी वो को थप्पड़ मार देना गुस्से हाँ। से देखना और हाथ हाँ। पकड़ के घसीट लेना ये सारी चीजें करे ओहो क्या आदमी है भाई आई थिंक यही प्रॉब्लम है जैसे हमने कहा लैक ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ़ अवेयरनेस पता नहीं है कि कौन क्या सही है और और हर एक बात ठीक है जब तक प्रू, प्रूफ नहीं होता लोग उसको नहीं समझते सच नहीं समझते लेकिन ये है कि पाकिस्तान आपको पाकिस्तान के, के, आपको, के हाँ, जो लॉ का सारा सिस्टम है हाँ, उसमें आपको लगता है चीज़ें प्रूफ करना इतना आसान होता है। औरत है, के लिए इतना हरासमेंट भी प्रूफ करना इम्पॉसिबल रेप प्रूफ करना कितना इम्पॉसिबल है तो आपको लगता है ये प्रूव कर, कर, कर सकते हैं नहीं कर सकते कर सकते बट मेरे लिए एक औरत अगर सामने आकर कहती है कि मेरे साथ ये हुआ है मेरी हंड्रेड परसेंट सिंपथीज भी पूरी बोलते ही नहीं है किसी किस्म का शेम या इस तरह की कोई भी हरकत हो आप एक तो इतने डरे होते हो फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि ये बिल्कुल आप इसको अब्यूज ही नहीं समझते मैं अक्सर ये बातें करती हूँ लोगों के साथ कि अब्यूज सिर्फ मारपीट से नहीं होती चिल्लाने से भी होती है चीज़ें फेंकने से भी होती है इकनॉमिकली आपको बिल्कुल डिपेंडेंट करने से होती है आपके अक्सर जो अब्यूसिव आदमी होता है वो आपको आपके दोस्तों से दूर रखता है आपके माँ बाप से आपको ताकि आपकी इमोशनल कनेक्ट दैट इज़ ऑल्सो अब्यूज़ सो अब्यूज़ के हर किस्म की बहुत किस्में होती हैं यू नो और हमारी हमें वो कहता है ना बस सहलो और बच्चों के लिए भी सह लो और बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो ना एक वर्ड जो आके आ गया है हमारे बर्दाश्त आपको क्यों आप बर्दाश्त करें अगर ऐसा है ना पता है ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने बर्दाश्त किया और आगे जाके उनके शॉर्ट ठीक भी हो गए बच्चे भी बड़े हो गए औरत ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हाँ, मगर बच्चे उनके कम से कम ऐसे रहे कि वो बाद में अपने बाप के साथ भी ठीक रहे मां के साथ भी जो तलाक वाले बच्चे मैंने देखे हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो ठीक नहीं होते हमारे कल्चर में डिसफंक्शनैलिटी बहुत है ना क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अच्छा तुम अलग हो गए तो बच्चे को मिलने ना दो बाप से ना उसकी माँ से मिलने दो वाइस वैसा उससे क्या होता है कि बच्चा अफेक्ट हो जाता है वो डिसफंक्शन हो जा वो समझता है कि अबैंड हो गया है माँ ने अबैंडन बच्चे हमेशा डिवोर्स में समझते हैं कि मेरा कसूर है बच्चों का कसूर है और वो हम उनकी भी काउंसलिंग नहीं कराते

वो सेंसिबल होना बड़ा बहुत ज़रूरी है इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चे हो जाए तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और अक्सर यहाँ पे वो ऐसी हो जाती है ना जैसे वो लड़की कह रही है उसको पता ही नहीं है ना वो मोमेंट जो प्रपोजल का है वो अब वो तो इस तरह नहीं आते ना वो तो वो, तो वो, तो वो ट्रे लेके आती है <laughs> वहाँ बैठती है खब वो उसको पसंद कर लेता है और बस कहता है कि बस ऐसी बात हो गई पक्की सो दे नो रोमांस ख़त्म वहाँ पे तो वो बात इसीलिए ये चीज़ें उनको हमारे बहुत, बहुत बहुत मसले मसाला हैं लेकिन <laughs> बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं okay, और आप भी बहुत अच्छे हैं और आपकी मुझे माशाल्लाह फैमिली भी बहुत प्यारी है और मुझे एकरा रह बता रही थी कि मेरे टाउन में रूट्स भी है मैंने पूछा मेरे को स्कूल का क्या करोगी कहती है ना स्कूल। हम उसको भेजेंगे अच्छा बट देखिए स्कूल दुनिया वो जो हम दादा और अब्बा की कहानियां सुनते हैं हाँ। इसमें वो मगरमच्छ से लड़ते हुए नदियाँ पार करते हुए पहाड़ उतर के स्कूल जाते थे हाँ। तो हमारा बच्चा गाड़ी में बैठ के यहाँ तक स्कूल नहीं आ सकता हम काम के लिए पढ़ाई के लिए नहीं आ सकता बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है नहीं बट लाइफ जो तो है ना वो बेहतर होना चाहिए और रात को जाते हुए इतनी दूर डर नहीं लगता वहाँ पे रास्ते में सेफ है आप, आ, ना और हैव टाउनशिप्स हाँ। है। so जो कि इस तरह के न्यूली डिवेलप हैं डिपमेंट अर्बन डिवेलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे है बहुत कुछ बहुत ज़रूरी है और कुछ रह गया बात करने को तो बताएं अब आप क्या, क्या कर रहे हैं आगे क्या कर कर एक एक कर रहे रहे हैं हैं मैं कर रहा हूं और मैं और और ड्रामा जो डायरेक्ट रहा एक्ट करेंगी वो अच्छा। वो है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर really? एक अच्छा कदम है अच्छा। वो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी और को भी अच्छी लगी अच्छा तो वो हम कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहा था जब उसने मुझे कहारा को ले तो खैर आपकी जो फिल्म आपने एक बहुत खतरनाक प्ले किया था प्ले तो नहीं था मूवी थी और उसमें आपको वो अवार्ड्स भी मिले राइट पर वो पाकिस्तान में नहीं बस दिखा पाकिस्तान में ही नहीं, में ही नहीं मिले अवार्ड्स विदेश में मिले नहीं मगर क्यों नहीं दिखाई उन्होंने पहले पाकिस्तान, दिखा हाँ। पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखाई पाकिस्तान में सेंसर बोर्ड को ऐसा लगा कि वो फिल्म पाकिस्तान में नहीं दिखानी चाहिए क्यों शर्म आ रही है हां कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ

करना चाहिए जरूर करना चाहता है पाकिस्तान में टीवी ड्रामे में तो ऐसे कैरेक्टर्स मिलना इम्पोसिबल है तो एक आर्ट मूवी में ही मिल सकता था मुझे ऐसा कैरेक्टर हालांकि पाकिस्तान 26 किस्तों का हमारा एक सीरियल होता है हम अगर उस पर छब्बीस किस्ते बनाए पे तो बहुत बड़ा सीरियल है जैसे गोरा बनाता है अपने सीरियल किलर्स के ऊपर हमें भी बनानी चाहिए मगर हम हमारी हर कहानी सास बहू आपको पता है हमारा जो सबसे बड़ा सेटकॉम है बुलबुले वो भी एक सास बहु ड्रामा है हाँ। उसमें एक लड़की है हाँ। और उसकी एक सास है हाँ। उसका एक शोहर है और उसका ससर हाँ। हाँ। है हाँ। चार लोगों की कहा तो इस हाँ। हमारे यहाँ कोई भी चीज हाँ। जिसमें दो तीन औरतें और दो तीन आदमी आपस में रिश्तेदार ना हो वो नहीं चल सकती वो चलती ही नहीं है आप बनाते भी नहीं है चलना तो दूर की बात टेलमी so हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर एक हाँ। भी बच्चों का कंटेंट नहीं है आपको पता हाँ, सही बात एक है। ड्रामा एक हाँ, शो हाँ, एक कॉम्पिटिशन yeah. कुछ भी बच्चों के लिए नहीं है हाँ। क्या इस मुल्क में बच्चे नहीं है तो जावेद इकबाल जैसी चीज को चलाना तो बहुत दूर की तो मुझे बताए ना उसके बारे में थोड़ा सा टेल मी अबाउट द कैरेक्टर आपको क्या समझ आई जावेद इकबाल के बारे में जावेद इकबाल एक ऑब्वियसली मेंटली इल था वो एक नॉर्मल आदमी नहीं था उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी शुरू से जो गलत थी अब्यूज हुआ था अपने हाँ, बचपन में हमेशा जिसकी वजह से वो बच्चों के साथ ये करता था हाँ। फिर उसको पुलिस से कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से उसने पुलिस से बदला लेने के लिए ऐसा किया मजीद बच्चों के ऊपर बिल्कुल जुल्म करके हाँ जी और वो एसिड में उनको बर्न करता था एसिड में फिर बर्न तो इसलिए करता था ताकि वो मिटा था। सबूत सबूत मिटा मिटाने के लिए। एक क्यों लगा इनको में पता सो बच्चे? में वो उसने खुद जाके जंग प्रेस में जाके बताया मैंने देखी नहीं है ना मैं कहा बैंड लेकिन आप इसके बारे में पढ़ जरूर सकती वो उसने जाके बताया जंग प्रेस में भाई ये मैं इस तरह मैंने बच्चे मार और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ तो फिर जंग वालों ने फोन किया पुलिस स्टेशन के आए और उसको आगे ले जाए तो फिर वो गए उससे जाके ले आए तो उसने यही तो कहा था कि मैं अगर चाहता तो सौ और बच्चे मार देता, तो मैं पता ही ना चलता क्योंकि वो जिस गली में रहता था उसके कोने में पुलिस स्टेशन था गली के कोने पर उसने उसी गली में ये सब कुछ किया उसने स्पेशली वो घर लिया उस जगह पे पुलिस हाँ, पुलिस की गली में करूं उस उसको रेप किया किसको उसको बचपन में ये तो मुझे नहीं मालूम उसकी उसकी हाँ. हिस्ट्री नहीं पता ज्यादा ज्यादा उसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता बट बिकॉज उस प्रोफाइलिंग हो नहीं पाई ना अब जैसे कि मैं अभी सुबह इनसे बात कर रही थी जब हम ऑफिस में थे जावेद इकबाल की हम प्रोफाइलिंग की बात कर रहे थे कि जैसे वो इमरान था जिसने जैनब बच्ची को मारा था और आठ और बच्चियों को रेप करके मारा था उसकी प्रोफाइल उसका भी यही था वो भी बचपन का उसको वो तो हैंग कर दिया था ना उन्हें एक साल के अंदर कहानी खत्म करने के लिए अब होता ये है कि जब मैंने उसके आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़े तो उसके बाद में यही पता चला कि वो भी उसको बचपन में एक मदरसे के बाहर वो खड़ा हुआ था उसके वो अंदर जा नहीं सकता था अंदर ले गए फेवर दे के, के रेप करके तो उसने सीखा ही वो और वो बच्चों को जब इसीलिए वो बच्चों को मारना शुरू अब फॉर अ सीरियल रेपस्ट एंड अ मर्डरर तो सबसे ख़ुद भी तकलीफ में होता है वो अपने छोटे छोटे वो छो एविडेंस छोड़ रहा होता है अगर मैं बहुत ज़्यादा देखती रहती हूँ क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर और, और या यानस क्राइम्स के ऊपर शोज़ तो उसकी प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी होती है अब प्रोफाइलिंग वो, वो साइकट्रिस्ट कह रहा है ये करने नहीं देते ये इनको पहले ही जेल में मार देते हैं या हैंग कर देते हैं तो आपको कैसे आगे, आगे आप उस जावेद इकबाल को कैसे ढूंढेंगे उसकी कैसे प्रोफाइलिंग करेंगे और फिर बैन बैन को तो आपको लगता है कि वो कभी भी नहीं आएगा टीवी पे भी नहीं आएगा और या नेटफ्लिक्स या ओटीटी किसी हाँ, पे कहीं चल जाएगा वो लेकिन सिनेमा में नहीं लगेगा हालांकि सिनेमा में उसे लगाना जरूरी है ताकि वो लोग देख सकें एटलीस्ट जो देखना चाहते है वो देख रहे हैं वो जो दामर लगी हुई है उसके ऊपर सीरियल किलर है उसके बारे में हम देख रहे हैं वो ट्रेंड कर रही थी पाकिस्तान में और हमारा अपना जो स्टोरी है वो बैन नहीं है

कि ये इतने साल के लोग देख सकते हैं बस लोग उतने साल के लोग जाके देख लें टीवी हाँ। पे, पे भी वो होता है है जब आपके होता है, अंडर तो वो यहां पे पेम्ब्रा कोई गाना ना चल जाए इंडिया का है, ये ना हो जाए उसके अलावा कर रहा है बहुत सारी सीरियस कम मजाक मगर बहुत अच्छा लगा फिर भी थैंक यू बहुत लंबा तो नहीं हो गया था नहीं मुझे तो नहीं आपको तो अच्छा लगा पायरेट जो मैंने आपके पीछे डाला हुआ हाँ। आपसे मिलता जुलता है <laughs> थोड़ा सा वो यू नो पाइन एप्पल भी है कलरफुल भी है सीरीज भी है हाँ मैंने सोचा कि यही होना चाहिए, के के, चाहिए। आर्ट And thank you यासर for coming. अगर आपने और कुछ बताना है किसी और टॉपिक पे बात करनी है आप जरूर करें क्योंकि ये एक करेंटफॉर्म है जिसपे हम कर सकते हैं नहीं, 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 रिग्रेट नहीं करते, नहीं करते। आप यही कहते हैं कि हम हमें सच बोलना चाहिए बिल्कुल बोलना और कभी कभी हम गलतियां कर भी जाते हैं हम अभी बहुत कम सच बोल रहे हैं इतने कम पे भी अगर आप रिग्रेट करेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं सही बात है मैं कुछ तो चीज़ें आप रिग्रेट करते होंगे मैं रिग्रेट करता नहीं हूँ मैं गलतियों से सीख लेता हूँ हाँ। रिग्रेट नहीं करता रिग्रेट एक बहुत नेगेटिव वर्ड है नॉट नेगेटिव बट अपने लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है हाँ। रिग्रेट आप फिर एक दफ़ा करते हैं ना तो बार बार करते हैं अच्छा यू थिंक सो हाँ और so? हाँ। रिग्रेट करना आई एग्री विद यू कि आपने गलत गलती की आप माफ़ी भी मांग लो और आप उससे सीखो एंड मूव ऑन

हर बात पे इतफाक नहीं कर रहे थे आप कह रहे थे कुछ चीज़ में मुझसे कह रहे थे कि नहीं ऐसी नहीं है ऐसी नहीं है वही बात होती है ना बात तो ऐसी होती है इसका मैं बस जाते जाते ना ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने थिएटर की भी बात की कि थिएटर इस मुल्क में क्यों नहीं होता थिएटर जहाँ जहाँ होता है वो आर्ट की वजह से नहीं होता थिएटर होता है आपके टूरिज्म की वजह से आप लंदन या न्यूयॉर्क में या पेरिस में जब देखते हैं, नहीं। तो और लाखों लोग थिएटर देखना चाहते हैं थिएटर वीकेंड के लिए बिल्कुल तो इसलिए वहां पे वो प्लेज बीस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल चलते हैं हमारा अगर हम कराची में इस्लामा में कोई एक प्ले करेंगे तो इतने अरसे नहीं चल सकता क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ है टूरिज्म हाँ, टूरिज्म हमारे यहाँ है ही नहीं है हाँ, और वो इसलिए नहीं है, क्योंकि क्राइम, रेट है। हाँ, क्राइम रेट क्यों ज्यादा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो बेसिक से हमें चीजों को ठीक करना पड़ेगा तब कहीं जाके थिएटर हाँ, और आर्ट और आर्टिस्ट फ्लरिश करेगा हाँ, तो बेसिकली हमें जिन चीजों पर काम करना है हमें उन उनपे काम करना चाहिए आर्ट बुरा है इसलिए नहीं चल रहा नहीं है वजह I think हमारा बहुत बहुत अच्छा, अच्छा है हाँ। बहुत अच्छा ये जो फिल्में? पड़ी है यहाँ हर शो में आपके exactly. होती है वो यही की exactly. है ना, आप और, मिलान से तो नहीं लाइन नहीं और वो बहुत हाँ आपकी फिल्में भी अच्छी बन रही है पिछले दस साल में लगाएक्टली या कमली या जॉयलैंड या जावेद इकबाल ये किसी भी इंडिया की अच्छी आर्ट मूवीज ज्यादा अच्छी फिल्म है तो अगर आप अपने पड़ोसी के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं जो एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री

हमारे तो आधे से ज़्यादा थिएटर हॉल्स जो है, मैं पूरे मुल्क में किया। हाँ। से आप बोले तो आवाज बाहर निकल जाए हाँ। वो तो बाउंस बैक करनी चाहिए exactly. और हमने कभी जिंदगी में माइक यूज नहीं किए हम तो बगैर माइक के पांच सौ छे सौ आठ सौ के ऑडियंस को आवाज सुनाते रहे सोचे हमारे गले फेफड़े एक्सप्रेशंस सब परफेक्ट थे सिवाय इसके कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था या कोई सपोर्ट ही नहीं थी कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था उसके बावजूद जितना थिएटर किया उतना कर लिया और अब आगे जो नए लोग आ रहे हैं आई डोंट थिंक वो कर भी पाएंगे क्योंकि हालात और बुरे से बुरे होते जा रहे हैं वही डॉलर ऊपर चला गया और पेट्रोल भी ऊपर चला गया तो ये सारा कुछ ऊपर जा रहा है और हम नीचे आते जा रहे हैं तो एक दिन कहीं हम नीचे आते आते हम ना ऊपर चले जाए आई एग्री क्योंकि मैंने भी मेरी जो शुरुआत है थिएटर से और थिएटर जैसी कुछ चीज ही नहीं है बिल्कुल मैं हमेशा कहती हूँ कैटवॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है फैशन में और थिएटर जैसी एक्टिंग में नहीं है बिकॉज उसी से जो जमे हुए एक्टर्स हैं बड़े एक्टर्स हैं वहीं पे ही और वो चाहते हैं वो एक्टर भी बन जाएं फिल्म में और टीवी पे तो टीवी कहते हैं कि जब हम वापस जाएं थिएटर में मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं उस दिन एक इंटरव्यू में किसी का सुन रहा था कि नसीरुद्दीन शाह के बारे में बता रहे थे कि वो आज तक थिएटर कर रहे हैं मैं आज तक थिएटर नहीं कर पा रहा ये कितना तीन साल हो गया मैंने थिएटर प्ले नहीं किया और मेरी मेरी रूट्स थिएटर में क्यों क्योंकि एक ही थिएटर कंपनी जो थिएटर कर रही है अगर उसके साथ आपकी नहीं बनी हुई तो आप थिएटर नहीं कर रहे क्योंकि कोई और तो थिएटर कर करिए तो आप थिएटर करेंगे ही नहीं इसका मतलब या तो आप खुद बनाए जीरो से करें मुझे लोग कहते हैं आप जी वो इस तरह की फिल्म खुद क्यों नहीं बनाते भाई मैं एक्टर हूँ मैं खुद कहाँ से फंड yeah. इकट्ठे करके फिल्म बनाऊ फिल्म बनाना, हाँ। किसी का हाँ। बनाना किसी और का काम है थिएटर बनाना किसी और का काम है मेरा तो काम उसमें एक्टिंग करना है right. तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए मगर गवर्नमेंट uh,

आपका ना उस वक्त कामयाब होना हाँ। जरूरी है हाँ। बाद में अगर कोई देखे क्या यार ये तो फनी बात नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां जिसने टिकट दे के सामने बैठा हुआ हाँ। ना उसको हंसी आनी जरूरी है बस अच्छा फा... कॉमेडी और हॉरर में भी एक लाइन होती है ना जो कि आपने मुझसे पूछा कि उमर शरीफ ही नहीं पसंद उमर शरीफ मुझे इसीलिए नहीं पसंद थे सिर्फ इसलिए कि वो बड़े मिसोजिनिस्ट उनके हमेशा औरतों के बारे में बहुत ही फजूल रिमार्क्स करते थे और वो वो गोरे काले पे बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं, नहीं, वो बहुत वो, वो सिर्फ थी सिर्फ उमर शरीफ नहीं थे हमारी सारी कॉमेडी आप इंडिया की फिल्मों में जिसमें हम जिन्हें हाँ, देख के बड़े हुए हैं हाँ, वो कॉमेडी देख लें हाँ, पाकिस्तानी फिल्मों की कॉमेडी देख लें हाँ, आप मुइन साहब के एक्ट्स देख लें हाँ, गोरे काले औरत हिजड़े इस सब पे जोक्स हुए हैं ये सोसाइटी को ये बातें अब जाके समझ आई हैं इसलिए हमें वो अब बुरे लगना शुरू हो गए हैं ये भाई आपको पहले समझ आ गई होगी ठीक है अब अब वो चीजें अगर मैं आज करूं मुझे तो ये पकड़ लेंगे ताबिश के लिए अब कॉमेडी करना कितना मुश्किल है या और किसी हाँ, के लिए हाँ, अलीगुल पीर के लिए हाँ, कितना हाँ, मुश्किल है कॉमेडी करना हाँ, तो यह कॉमेडी इसलिए बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है क्योंकि हर जोक या तो सेक्सिस्ट होगा या वो रेसिस्ट, रेसिस्ट होगा यू हाँ, नो हाँ, तो कोई जोक सादा रहा ही नहीं है हाँ, <laughs> कौन हाँ, सा और आप मुझे बताएं कौन सा जोक है अगर आप किसी अंग्रेजी शो में देखते हैं कॉमेडी या तो जोक सेक्सुअल होगा या वो उनके पॉलिटिक्स पे होगा या उनका रिलीजन पे होगा जिस पे हम जा नहीं सकते और या रेस पे होगा हाँ, ना हम चाइनीज ये बोलता है रशियन हाँ, ये करता हाँ, है रशियन हाँ, प्लेन पे हो तो क्या होता है माइंड योर लैंग्वेज जो था याद है शो तो हम तो ये सारा कुछ <laughs> कर ही नहीं सकते नहीं। वो तो, तो, तो फिर कैसे जोक करेंगे हमारी कॉमेडी तो मर जाएगी इसीलिए मुझे लाहौर के थिएटर आर्टिस्ट जो कॉमेडी कर रहे हैं वो वो बेहतर समझ आती है और हज, हसी भी आती है है और भी क्योंकि वो इन सब चीजों से बालातर हो गए कॉमेडी कर रहे हैं आज भी वो कहते हैं भाई ठीक है जब सामने बैठा है समझ मजा बाकी रहने मैं बता रही हूँ ना मैं मुजाकर आट पर गई थी तो वो किस बंदे ने कुछ बोल दिया तो मैं तो उसकी शक्ल देख रही थी कि क्या कह रही है वो दूसरे को कह रहा था कि तू तू दे तू तू निका तू काला तू मैंने कहा ये क्या उल्टी बातें कर रही है आजकल के जमाने में भी

तब होती है जब आप जब जोक आप पे ना हो और किसी तीसरे बंदे पे हो तब दो लोग हंसते हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी भी हो पे हाँ, तो हाँ, बहुत मुश्किल है ना हाँ, सेलिब्रिटीज हाँ, का भी तो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है सेले, पता हम लोग शो जो है शो पे हम लोगों को बाहर कर दिया करती थी बिकॉज बाहर हो जाती थी दूसरे उस फॉरन शाम को फोन आ जाते पता चला जब मैं स्टेज से नीचे जाता हूँ ऑडियंस में तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज बैकस्टेज चले जाते हैं वो चले जाते हैं वो इसीलिए और वैसे भी कितने इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों में कि लोग कहते हैं कि जी नहीं हमें हमें हम पे हाँ हम, हमारे पर जोक ना करें मुझे फ़ोन आते थे कि जोक ना करें ओके okay? अब भाई आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखें कि सारे वो शोज में सिर्फ कॉमेडी होते हैं होस्टेड बाय कॉमीडियंस टॉक शो होस्ट इवनिंग होस्ट दैट जस्ट कमीडी हाउ कैन यू डू ए शो लाइक दिस सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है

इसका ये जोक मेरी मेरे करियर को नहीं नुकसान पहुंचाएगा और मजा भी आता है उनको मुझे कभी किसी ने कोई बैड टेस्ट में ना हो जो हाँ। अगर आप किसी का मजाक मुझे तो हमेशा मैंने किया यू नो मुझे याद है मैं लिखता था जब लक्स के लिए अपना, हाँ। तो मैं लिख के आपको सुनाता था बहुत हस्ती थी थोड़ा लाइट ना करने नहीं जाने दो जाने ने वैसे आई थिंक ये थिएटर की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी करनी आई थिंक तो कॉमेडी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी करनी और बहुत सारी बातें हमने कहीं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत मज़ा भी आया पता भी नहीं चला टाइम का हाँ ठीक है ना सो थैंक यू यासरफर कमिंग आई विश यू के बेस्ट अवलक और ये नई जो नया जो आपका ड्रामा सीरियल है या फिल्म लिख रहे हैं आप ड्रामा कर रहे हैं ना आ, ये तो ड्रामा डायरेक्ट एक फिल्म लिख रहा डाय मेंटल हेल्थ पे इस पे आपको कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर पूछेगा क्योंकि हाँ मैं काफ़ी लोगों को चाहती हूँ जो साइकाइट्रिस्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा अब आ गए हैं क्योंकि नई जनरेशन जैसी आई है उन उनकी वजह से इसकी ज़्यादा आई थिंक हर जनरेशन से चीज़ें चेंज हो जाती <laughs> हैं सो आई कैन हेल्प यू विद डैट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड एनी अदर वे And then next time I will come to you. I have told to Kabir. Absolutely. Okay. All right. Okay. So everybody uh, we'll see you for the next podcast. Thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe and comment. And see you later. Bye.